मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला नजर आया। दोपहर बाद 4 बजे राजधानी भोपाल में बारिश का दौर चला, जो करीब एक घंटा चलती रही। इस दौरान 40 मिलीमीटर यानी 1.5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। ग्वालियर में 10.6 मिलीमीटर और शिवपुरी में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इंदौर, जबलपुर, मुरैना समेत अन्य शहरों में भी बारिश हुई। बारिश के चलते कई शहरों में तापमान में खासी गिरावट आई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अधिकारियों को देख लेने वाले बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो मध्य प्रदेश के सीएम रहे हो, उन्हें ऐसी घटिया भाषा बोलना शोभा नहीं देता। कल के बाद परसों आता है, मैं देख लूंगा, चक्की पीसती है। तुम्हारी चक्की ने जनता को पीसा, इसलिए 1.25 साल में बाहर हो गए। अधिकारी कर्मचारी भी इंसान हैं, क्या उनको बेइज्जत किया जाएगा? उन्हें डराने धमकाने की भाषा बोली जाएगी? कौन से युग में जी रहे कमलनाथ? भोपाल के केरवा रोड स्थित मदर बुल फार्म में टाइगर ने एक गाय का शिकार करने की कोशिश की। टाइगर ने गाय को पकड़ भी लिया था, लेकिन तभी वहां मौजूद दूसरी गायों ने आगे आकर उसे खदेड़ दिया। गायों के एक साथ होकर किए गए हमले से टाइगर को वहां से भागना पड़ा, वह टीले में दुबक गया। घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। बागेश्वर धाम मंदिर की परिक्रमा मार्ग के पास से कट्टे सहित एक वर्ग विशेष के युवक गिरफ्तार किया गया है। आरोपित को लेकर शक है कि वह किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आया था। हालांकि पुलिस आरोपित से पूछताछ करने में लगी हुई है। युवक का नाम रजन खान बताया जा रहा है, जो शिवपुरी जिले का निवासी है। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का घोषणा का विरोध करने पर कांग्रेस और इसके नेता जयराम रमेश भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी गीता प्रेस गोरखपुर की आलोचना से भड़क उठी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस्लामीकरण और ईसाईकरण की राह पकड़ ली है। उमा ने लगे हाथ सोनिया गांधी को सलाह भी दे डाली कि यदि वह अपने नेताओं के प्रति सावधान ना रही तो कांग्रेस को वोट के बदले सिर्फ घृणा एवं तिरस्कार मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।